सो हे गाइस, आप लोग भाई ऐसा फेस स्मूथ कर सकते हो, अगर आप लोग भाई करते हो, आप लोग से होता नहीं है तो आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो कि मैं कितना बेस्ट क्वालिटी में अपने फेस को आप लोग के सामने भाई ये स्मूथ करके दिखा रहा हूँ। तो आप लोग जब करते हो तो आप लोग से होता नहीं है, और आप लोग अपने फोटो को भाई इतना HD भाई अपने फोटो को आप लोग भाई एडिटिंग नहीं कर पाते हो। तो आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो कि मैं आप लोग के सामने कितना बेस्ट क्वालिटी में अपने फेस को स्मूथ और फेस को वाइट और फेस को अपने मतलब भाई यहाँ से गोरा किया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कितना बेस्ट क्वालिटी में मेरा फोटो यहाँ पे एडिटिंग हुआ है। तो आप लोग जब भाई आप लोग ऐसा भाई एडिटिंग करते हो ना, तो आप लोग से भाई होता नहीं है। तो गाइस, ऐसा भाई एडिटिंग करने के लिए आप लोग सिंपल सा आना है अपनी गैलरी में। तो मैं यहाँ से ना आता हूँ गैलरी में, और गैलरी में आने के बाद आप लोग मेरा सिंपल फ़ोटो यहाँ पे देख सकते हो। तो भाई मेरा सिंपल फ़ोटो ना यहाँ पे ये रहा, और मैं भाई क्या करता हूँ ना इसी की मतलब भाई इसी फ़ोटो को लेके भाई कुछ इस टाइप से फोटो एडिटिंग एंड गाइस फेस स्मूथ और फेस को अपने वाइट किया हूँ। तो आप लोग क्या गलती करते हो गाइस, आप लोग जब अपने फेस को भाई स्मूथिंग करते हो ना, तो आप लोग से होता नहीं है। तो आप लोग भाई गलती क्या करते हो, तो गाइस मैं चलिए आप लोग को भाई बताता हूँ आप लोग गलती क्या करते हैं। आप लोग भाई गलती ये करते हैं, आप लोग सिंपल वाला अपना फ़ोटो लेते हैं, और भाई सिंपल वाला फ़ोटो लेके आप लोग स्केचबुक में सेंड कर देते हैं। तो भाई फ़ोटो सेंड करने के बाद ना आप लोग फिर उसके बाद भाई करते हैं, यहाँ से आप लोग लेते हैं ब्रश, और भाई ब्रश लेने के बाद ना आप लोग यहाँ से लेते हैं ब्रश। तो गाइस नीचे आने के बाद आप लोग भाई ऐसे मतलब भाई आप लोग मान लीजिए भाई आप लोग कोई सा ब्रश लेते हो, तो गाइस लेने के बाद ना आप लोग सिंपली सा अपने फेस के ऊपर आप लोग अप्लाई करते हो, तो आप लोग का फेस भाई ख़राब हो जाता है। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि भाई जैसे मेरा फेस ख़राब हो चुका है। तो आप लोग भाई ऐसे अपने फेस को भाई स्मूथ कर पाते हो, तो आप लोग का भाई फेस पूरा अच्छे से स्मूथ नहीं होता है। तो आप लोग को ना अगर पूरा अच्छे से अपने फेस को ना स्मूथिंग करना है, तो पूरा अच्छे से फेस अपना स्मूथ करने के लिए आप लोग सिंपल सा यहाँ से आना है ब्रश वाले ऑप्शन पे, और ब्रश वाले ऑप्शन पे आने के बाद ना आप लोग को सिंपल सा क्लिक करना है इस वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ना आप लोग का सिंपल सा यहाँ से आप लोग इसकी भाई सेटिंग आप लोग को भाई कुछ इतना रखना है। तो अगर आप लोग भाई सेटिंग को इतना रख के अपने फेस को आप लोग स्मूथ करोगे ना, तो आप लोग का फेस 100% भाई स्मूथ होगा। तो भाई ना इतना रखने के बाद आप लोग को सिंपली सा करना है कट, और भाई कट करने के बाद आप लोग जैसे फेस को अपने जूम करके आप लोग ब्रश को अप्लाई करोगे ना, तो आप लोग का फेस यहाँ पे स्मूथ हो जाएगा। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कितना बेस्ट क्वालिटी मैं आप लोग के सामने भाई अपने फेस को यहाँ पे स्मूथ करके दिखा रहा हूँ। तो मैं भाई ना अपने फेस को भाई ऐसे ही स्मूथ करता हूँ, तो आप लोग को भाई अपने फेस को ऐसे ही स्मूथ करना है। अगर आप लोग जल्दीबाजी में अपने फेस को स्मूथ करोगे, तो आप लोग का भाई फेस में भाई ना स्मूथ नहीं होगा। तो आप लोग को भाई जल्दीबाजी भाई बिल्कुल नहीं करनी है, आप लोग को बस पूरा आराम से गाइस पूरा अस्थाई रूप से अपने फेस को स्मूथ करना है। तो आप लोग भाई ब्रश को भाई पूरा अच्छे से मतलब भाई हाई लेवल में आप लोग भाई यहाँ से मतलब भाई जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ आप लोग को भाई ब्रश वैसे अप्लाई करना है। अगर आप लोग भाई ब्रश को भाई मेरे जैसे अप्लाई नहीं करते हो ना, तो आप लोग अपने फेस को स्मूथ नहीं कर पाओगे 100% में 100%। तो आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो कि मैं भाई कुछ कम टाइम में अपने फेस को आप लोग के सामने ही स्मूथ करके दिखा दिया हूँ। तो आप लोग को दिख रहा होगा कि मैं कितना हाई क्वालिटी में अपने फेस को आप लोग के सामने ही भाई यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना हाई क्वालिटी में मैं आप लोग के सामने अपने फेस को स्मूथ कर दिया हूँ। तो भाई इतना होने के बाद ना अब आप लोग को सिंपल सा यहाँ से लेना है डबल लेयर, और आप लोग को डबल लेयर लेके आप लोग को क्लिक करना है इस डबल लेयर पे, और भाई डबल लेयर पे क्लिक करके ना आप लोग को यहाँ से मिलेगा ब्लेंडिंग, तो आप लोग को इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करके ना आप लोग को क्लिक करना है यहाँ से सॉफ्ट लाइट पे। तो आप लोग को सिंपल से क्लिक करना भाई यहाँ सॉफ्ट लाइट पे, और भाई यहाँ पे क्लिक करने के बाद ना आप लोग को सिंपल सा करना है टैप, और भाई टैप करने के बाद आप लोग को यहाँ से लेना है कलर। तो आप लोग को अगर अपने फेस को गोरा करना है, तो आप लोग को यहाँ से लेना है कलर वाइट। तो आप लोग को यहाँ से कलर रखना है वाइट, और आप लोग को करना है कट। तो जैसे आप लोग कट करोगे, तो आप लोग को भाई कुछ करना नहीं है, आप लोग को बस अब लेना है ब्रश। तो भाई ब्रश लेने के लिए आप लोग को पता होगा कि भाई आप लोग को क्लिक करना है इस वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ना आप लोग को सिंपल सा यहाँ से आपको भाई मिलेगा बहुत सारा ब्रश।
तो मैं भाई आप लोग से हर बार बोलता हूँ कि भाई मैं यहाँ से ना भाई मैं इसी ब्रश को लेके अपने फेस को जो है गोरा करता हूँ। तो आप लोग को ना इसी ब्रश को लेके अपने फेस को आप लोग को गोरा करना है, और इसको लेने के बाद आप लोग को करना है कट। तो आप लोग जैसे अपने फेस के ऊपर आप लोग भाई अप्लाई करोगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कितना बेस्ट क्वालिटी मेरा फेस यहाँ पे भाई गोरा हो रहा है, और मैंने आप लोग को भाई ये स्मूथ करके दिखा दिया है और फेस आप लोग को भाई गोरा करके मैं सिखा दिया हूँ। तो अगर आप लोग भाई मेरा भाई पूरा फुल वीडियो आप लोग देख लिए होंगे ना तो आप लोग भाई समझ गए होंगे एंड गाइस आप लोग भाई सीख गए होंगे। तो आप लोग अगर भाई पूरा फुल वीडियो आप लोग देखे हो ना तो उसके लिए थैंक्स, और भाई बस आप लोग भाई ऐसे ही भाई भाई मुझे आप लोग सपोर्ट कीजिए। मैं आप लोग के लिए भाई हर रोज़ भाई न्यू कंटेंट ले भाई लेके आता रहूँगा। बस आप लोग भाई मुझे भाई आप लोग को ना भाई मुझे सपोर्ट करना है और कुछ करना नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि भाई सब कुछ रियल तरीका है गाइस, कोई फेक मतलब भाई तरीका नहीं इसमें है। तो आप लोग ऐसे करोगे भाई मेरे मतलब भाई अगर आप लोग मेरे जैसे अपने फेस को गोरा करोगे ना तो आप लोग का 100% होगा। तो आप लोग को ऐसे ही करना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कितना हार्ड गोरा कर दिया हूँ, और भाई मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए बाय, और पूरा फुल वीडियो देखने के लिए थैंक्स।